जय श्री राम आप सभी को। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो आपको श्री राम जी से मिलवा सकते हैं। आपने हनुमान जी की काफ़ी महिमा सुनी है, उन्होंने क्या क्या मतलब चीज़ करी है। रावण को मारने में भी हनुमान जी का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं अगर हनुमान जी ना होते तो रावण जो है कभी मरता ही नहीं, ठीक है। और जैसे आप कहीं भी मंदिरों में जाते हो तो सब कहीं मतलब कहीं भी मंदिर में जाते हो, जैसे वैष्णो देवी हो गई, खाटू श्याम का मंदिर हो गया, तो वहाँ पर भोले बाबा का मंदिर हो गया, वहाँ पर हनुमान जी जरूर मिलते हैं, सबसे आगे चलते हैं। जैसे ही देखो आप शेरावाली माता जी है, आगे बाबा हनुमान जी है, पीछे भैरव बाबा। तो बाबा एक ऐसे देवता है जो सबसे आगे चलते हैं। वो सुना ना, और देवता चितना धरे हनुमत सही सर्व सुख करे। भाई हनुमान जी कैसे देवता है जो सब और देवता के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी कैसे देवता है जो आपके सारे संकटों को दूर कर सकते हैं, बस आपके मन में उनके प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, आपको पित्त की समस्या है, कोई बीमारी है जो आपकी दूर नहीं हो रही है, घर में कोई नेगेटिविटी है, आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी है, तो आपको करना क्या है, आप जो भाई मतलब जो भगजन रोज हर रोज 11 हनुमान चालीसा सुबह 11 हनुमान चालीसा शाम को करेगा ना, उसका संकट सवा महीने के अंदर उसका जो संकट है वह दूर हो जाएगा। उसको खुद सपने में दर्शन होंगे उसके संकट दूर होते होते। बस करने वाले के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि नीम करौली बाबा जी हैं जो कलयुग के अवतार माने जाते हैं हनुमान जी के। उन्होंने कहा है जो हनुमान चालीसा है ना वो एक हनुमान चालीसा पाठ नहीं है, वो हनुमान चालीसा महामंत्र है। जो भाई कहते ना जो है पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, कि जो भगजन हनुमान चालीसा करेगा उसको सिद्धि भी मिलेगी, उसको जो संकटों से मतलब छुटकारा भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके शरीर में कोई मतलब बीमारी है, आपका कारोबार भी नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, सुबह शाम 11-11 हनुमान चालीसा करनी है, ठीक है। और बाबा को जैसे आपके घर मतलब हर रोज आप गुड़चने का भोग भी लगा सकते हो उसमें। अगर गुड़ चने का भोग नहीं लगा सकते तो आप क्या कर सकते हो, चीनी मिश्री का भोग भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप देखना, बस आप सच्चे मन से विश्वास कर अब बाबा पर एक बार विश्वास जरूर करना और आपके वो संकटों को दूर करेंगे। हमारे भी बाबा ने संकट दूर करे हैं, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाया है। और जो भक्तजन से लगातार हनुमान चालीसा पाठ करता रहेगा उनको बाबा जी की तरंग जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। बस एक बार आप करने वाले के मन में श्रद्धा भाव, जैसे कहते नहीं जो कहते नहीं जैसे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। कहते संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी कैसे हैं, बस आपको हनुमान जी की महिमा के बारे में मतलब कलयुग में हो आपको पता है कि बाबा का आजकल मतलब काफ़ी लोग जैसे हैं बाबा से जुड़ रहे हैं। और हमारा मत लक्ष्य यही है कि आप जो हैं हनुमान जी से जुड़े और अपने संकटों को दूर करें, उनके चरणों में जाकर खुद को समर्पण करें। बस आपको क्या करना है, नियम परहेज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको क्या करना है कि आप बस मंगलवार शनिवार का परहेज करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, ठीक है। लहसुन प्याज जो है आपको दारू मांस मूस कुछ नहीं खाना जब तक आप ये पाठ करोगे, ठीक है। अगर ज़्यादा ही परेशानी हो कि आपके घर में लहसुन प्याज नहीं छूट सकता तो मंगलवार शनिवार आपको 2 दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा बाबा के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। कहते नहीं है भैया तो हनुमान जी को छोड़ दो, या जो आप गंदा आपके जो नॉन वेज जो कुछ खाते हो उसको छोड़ दो, दोनों में से एक चीज़ चाहिए होती है इंसान को। जब वो दोनों में से एक चीज़ लेगा तभी वो अपने जीवन में सफल होगा, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर करना, हमने जो बताया है एक बार विश्वास कर
बाबा आपके संकटों को जरूर दूर करेंगे। मैं बाबा से विनती करती हूँ, बाबा जो भक्तजन आपकी इस वीडियो को देखें, जो विधि करे, आप उनके संकटों को जरूर हरना, उनके जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण करना बाबा। जय सीताराम।